भगवान हमेशा मुझे जवान रखा है, तुम बड़ी बुद्धि हो जाएगी। चलो मुझे भगवान जवान रखा, इसको बड़ा बुद्धि का। नहीं वैसे ही बोलो ना जैसे पहले बोल रही थी, कैमरा आते ही इन इस औरत का जो चेहरा चेंज होता है ना, ये देखो देखो मारने आ गई मेरे को। नहीं नहीं प्यार से क्यों बोल रही है, प्यार से क्यों बोल रहे हो? कोई प्यार से नहीं बोली, यही है मेरा। ये तो नहीं था कभी, अभी तो प्यार से बोल रहे हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में। और आज लोग आए थे एक छोटी सी ट्रिप पे, और उसका रीजन क्या है, मेरी जो ये सिस्टर है ना, ये मेरी बहना है जो जिनको मैं अहमदाबाद से उठा के लाए थे, ये वापस अपने कॉलेज जाने वाले हैं, यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। आपको माँ की डिमांड बताता, इनको आम के पेड़ के नीचे ना आलू के पराठे खाने थे, आम के पेड़ के नीचे। अब भाई ना आम का पेड़ ढंग का मिला ना हमारे पराठे बने। हम लोग यहाँ से लौटने वाले थे, मम्मी की डिमांड है, तो भाई पेड़ के नीचे बैठ के अपने वो बना रहे हैं, पराठे बना रहे हैं। बाय द वे एरियल शॉट बहुत ही प्यारा आने वाला है इस जगह का, बिकॉज बाजू में ही बहुत प्यारी सी लेक है, और यहाँ पे देखो कीटो मस्ती करता हुआ। A few moments ago. ये लोग जब देखो कहीं भी मुंह उठा के चल देते हैं, मुझसे तो कोई पूछता ही नहीं है, इनकी ढक्की टिकी। आज हम अच्छी जगह पे निकले हैं अपने परांठे बनाने के लिए। कौन से परांठे हैं आप लोग? आलू के परांठे। आलू के सीढ़ी पर नहीं बनाने, हमें सीढ़ियों पे सुबह से सिर्फ गैसों पे उसी में घुमाना है। आम के नीचे बनाएंगे परांठे, एक किलो आम लो सिर पे बांध लो अपने, बनाओ परांठे पहले। अब क्या करें, सेब तू ना आया तो मेरा सपना ही तोड़ दिया, आम के पेड़ वाला। गैस सिलेंडर और चूल्हा आज घर छोड़ आया, पता चला परांठे की मम्मी ककार बाद में कर ले, कुछ बोल लो। मैंने गंदा बोल रही है, इतनी भी बोल पा रही क्या था मैं खुल के? सही है, ये लोग बोल रही है। प्लान था हमारा मंदिर में जाने का, लेकिन वो हो गया फ्लॉप। यस बहुत धूप है यहाँ पर, इसलिए हमारा प्लान फ्लॉप हो गया। भाई ऐसे कैसे फ्लॉप हो जाएगा, मैं और मम्मी नीचे कीटो की वजह से गाड़ी में ही रुके, और आशु और नेहा को इतनी गर्मी में मैंने ऊपर भेज दिया मंदिर के दर्शन करने के लिए, ताकि ये दोनों मैडम थोड़ा सा पुण्य तो कमा लें। ठीक है, पाके लेके जाएगी, चलो। हाँ ये बहुत गर्म है, और ये पता नहीं आराम से कैसे चल रही है। अरे मामू यहाँ से बिना टेरेटैक्स दिए कोई आगे नहीं जाता, पहले टेरेटैक्स फिर दर्शन। तो बंदरों का राज है, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है, मेरा कोई फोन लेके भाग जाएगा, इसे पकड़ के रखती हूँ। प्राचीन टेम्पल है ना, हो गए बहुत टाइम हो गया, चल बहुत भीड़ थी इधर, हमेशा भीड़ रहती। चलो दर्शन तो हो गया, अब बारी थी ऐसी जगह ढूंढने की जहाँ पर हम रुक के अपने पराठे सेक सकें। तो उतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यस नेहा, अब हम लेंगे यहाँ से भेलपूरी, यहाँ की लास्ट टाइम हमने खाई थी बहुत अच्छी भेलपूरी थी यहाँ से। बिल्कुल सही कहा, भेलपूरी तो बहुत अच्छी थी, और उतनी अच्छी थी यहाँ की वीडियो जो कि गलती से मेरी बेगम साहिबा ने डिलीट कर दी। थैंक यू अशोक, मजा बहुत आया, और मुझे सबसे ज्यादा मजा किसमें आया पता है, ये जो भेलपूरी हमने खाई असली टास तो अब चालू हुआ था, जब हमें ऐसी चिलचिलाती हुई गर्मी में मम्मी के लिए एक आम का पेड़ ढूंढना था जहाँ बैठ के ये अपने पराठे बना सके, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई जगह नहीं मिली, जिसके कारण फिर हमें इस जगह आना पड़ा। करो ये क्या है यहाँ पर आज? तो आपने सही सोचा, आज है हमारे गर्मा गर्म आलू के पराठे, कितने टेस्टी दिख रहे हैं। जो हम ट्रिप्स में खाते हैं ना, वो आज हम यहाँ बना रहे हैं। और एरिया देखो, देख कितना सुंदर एरिया, खुले एरिया में सामने लेक दिख रही होगी आपको, ये देखो कितना सुंदर व्यू है। तो अपना खाना खा रहे हैं कीटो, हाँ ये कीटो का फेवरेट खाना है, लकड़ी खाना कीटो को बहुत पसंद है। क्यों कीटो, क्या चल रहा है ये? तुम्हें लकड़ी पसंद? कीटो को तो इतना घुमक्कड़ है, इतना घूमना पसंद है ना इस मंकी को, कि तुम इसे कितना भी घुमा लो। अभी आलू के पराठों, आलू मटर के पराठों के साथ है हमारे पास चाय, गर्मा गर्म चाय, प्लस दही भी। ये देखो घी तैरता हुआ पराठों पे, ये पराठे बनाते हैं भाई हम लोग तो। वाह, वैसे पता है नहीं, हमारा सपना था कि हम आम के पेड़ के नीचे, आम तो मिला नहीं, आम बड़े 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 आम। पराठा देखो तुम, मेरा पराठा खा रहे, चीटा भी आया है आपका, ये देखो
वो तो भाई वातावरण के प्राणी है। आम नहीं है, पता नहीं कौन सा पेड़ है, लेकिन ये देखो मम्मी आलू चोरी करते हुए। व्हाट टेस्टी मम्मी, अपने ही खाने पे मरते हुए। चलो घर चले, आटा खा लेती और मसाला खा लेती, पेट में पराठे बन जाएंगे। और भी आपका क्या चल रहा है? यार मैं लेने की कोशिश तो कर रहा था कुछ कूल ड्रोन शॉट। ये मेरा वो नया वाला DJI Mini 3 है जो कि आपको ना हमारी आने वाली वियतनाम सीरीज में भी देखने को मिलेगा। बट ओनली प्रॉब्लम इज ना कि इंडिया में 15 मीटर की हाइट रिस्ट्रिक्शन है यार। ये ड्रोन मैंने 500 मीटर तक की हाइट पे बाहर उड़ाया हुआ है, इंडिया में ये भी रिस्ट्रिक्ट हो गया। क्या फायदा ऐसे ड्रोन का? ड्रोन तो फेल हो गया है, अब एक काम करते हैं फटाफट से ना, जो दूसरा ड्रोन है। चलो ये क्या कर रहे हो? ये यार मैं मेमोरी कार्ड लगा दिया मैंने, तो पहले कंट्रोलर चालू कर लो, उसके साथ ही साथ में इस ड्रोन को भी अनफोल्ड कर लेते हैं। मैं जो मेरा और ये आशु आलू का परांठा तोड़ते हुए क्या किया ये? आशु का हेड चॉप कर दूं। ये दे भैया भाभी का सर उड़ाने की फुल प्लानिंग में चोट ले। अच्छा थोड़ा इसके बारे में तो बताइए, है क्या चीज भाई? ये तो लाइफ लाइन है। अभी इतनी तेज हवा चल रही है ना यहाँ पर कि क्या बोलते, इतनी तेज हवा में तुम पराठे की शक्ल देख रहे हो, कहीं से कच्चा लग रहा है ये यार। ये जो है ये वैल्यू फॉर मनी है। इधर दिखाना इसका सिलेंडर कहाँ लगता है? इसका सिलेंडर लगता है यहाँ पर। क्या बात है, छोटा सा सिलेंडर है, छोटा सा सेटअप है। और अगर किसी को खरीदना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल परफेक्ट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भाई इस प्रोडक्ट का लिंक मैंने डाला हुआ है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ना ही इस ब्रांड ने मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर के साथ कोई कोलैबोरेशन किया है। दिस इज जस्ट फॉर यू, आप जैसे वो लोग जो कि ना कैंपिंग में इंटरेस्टेड है, अपनी फैमिली के साथ घूमने में इंटरेस्टेड है, अगर आप चाहें तो आप भी ऐसा प्यारा सा झूला अपने लिए खरीद सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज फटाफट दे यार, मेरे से वेट नहीं हो रहा। मम्मी फटाफट वो जो प्लेट मैंने आपको दी ना उसमें लगाओ, क्योंकि भाई कीटो ओ शाकाहारी कुत्ते, तो धीरे से जो ये चीटियां चटका रहा है ना, मेरे को अलग ही दिख रहा है। कीटो कम, नेहा को देख के आते हैं। जो कम कीटो, नेहा को दो काम छोटे छोटे करने को बोले थे, उसमें एक घंटों लगाती है। बाय द वे ये खड़ी देखो हमारी प्यारी सी गाड़ी, जिसके सामने नेहा कितनी छोटी सी लग रही है। भाई इस खेत में लेके आया हूँ मैं ऑफ रोडिंग करते हुए, बीच में अगर आपको दिख रहा होगा तो वहाँ पे एक छोटा सा हम्प भी है, और उस पेड़ पे उस जगह पे वहाँ पेड़ के पास हमने अपना सेटअप कर रखा है। मैं अपनी गाड़ी उनके पास लेके जाने के लिए आया था और मस्त भौंक रही है। और बाय द वे उन लोगों के लिए जिनके पास स्कॉर्पियो है ऑलरेडी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी पता ही होगी कि अगर आप अपनी जो की चेन है, की चेन का जो अनलॉक की है, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपकी सनरूफ खुल जाती है और दोनों साइड के मिरर्स खुल जाते हैं। साथ ही साथ का जो आपका ब्लोअर है ना, वो चालू हो जाता है हाई स्पीड पर, ताकि आपकी गाड़ी जल्दी से ठंडी हो जाए, जो हॉट एयर अंदर टैप है वो बाहर निकल जाए। फटाफट से गाड़ी आगे लेके चलते हैं, ड्राइव में डालो इसको, नीचे करो और चलो आगे, आराम से लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे मिट्टी ऐसी है कि गाड़ी धस भी सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ, आ रही है। आई थिंक स्कॉर्पियो वैन के लिए ऐसी जगह पे आना तो बच्चों की बात है, मतलब मक्खन है यार। मुझे पता ही नहीं लगा कि उस जगह से होता हुआ, उस हम्प से होता हुआ मैं इस गाड़ी को यहाँ कब लेके आ गया, लेकिन नीचे से पत्थरों के टकराने की आवाज़ जरूर आ रही है लगातार। कीटो चौक के वहां से देख रहा है कि कर क्या रहे हैं मुझे। लो फाइनली अब गाड़ी अपनी बगल में ही लग गई है जस्ट, और यहाँ पे देखो ये बन रहा है खाना, और कीटो पागल हो गया। कीटो बोल रहे चल गया रहा है, ये कहाँ कहाँ उतार के लेके आ रहे हैं, क्यों कीटो? अशु चौधरी है ना तेरा पूरा नाम? मैं चौधरी, चौधराइन की तरह बैठ के बना रही है आज लड़की। लो भाई हाथ तो धोले फटाफट से, हाँ जरूर धुलवाऊंगा भी तेरे हाथ। ये पानी के लिए ना हम अपना वो जो कैंपर देख रहे हो सामने जो रखा हुआ है, 10 लीटर का बिस्लरी का जो टैंक है ना, हमेशा अपने साथ लेके चलते हैं, और उसको हमने मटके के पानी से भरा हुआ है। क्यों आज तभी ठंडा है वो अभी तक? मस्त ठंडा हो रखा है। ये कीटो के मुंह से आप लहर देखो क्या मस्त टपक रही है। क्यों आटू? उसकी उंगली भी खानी है आपको। ये क्या क्या है नहीं, इसके अंदर क्या क्या है? इसमें है बॉइल्ड पम्पकिन, राइस, चुनमुसन, और ये बॉइल्ड एग है। और उसको देखो उसके मुंह से क्या पानी टपक रहा है मोटू के। देख कीटो बोला खुद खा ले आले बनाने मुझे खिला रहे हो ये। लाओ मां जल्दी करो, क्या क्या दे रही हो? मैं क्या क्या दे रही हूँ? सैलेड, मिर्ची का साग, पराठा, आलू का पराठा।
और ये वादियाँ और ये पर क्या बात है, ये देख यार, ये देख, हाँ 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 ये देख, ये होता है परफेक्ट सैटरडे। क्या बोल रहे हो? जिंदगी जीने के लिए आए, एंजॉय करने आए। एंजॉय तो कर लेना पहले, मुंह का वो तो खत्म करो। डायलॉग मार रहे, देखो डायलॉग निकल रही ना मुंह से, चिक्की चिक्की निकल के गिर रही है नीचे, चिक्की निकल के। ऐसे कुछ भी अच्छा पड़ पड़ेगा अभी। अरे दीवार बोला, मम्मी अपना फेवरेट डायलॉग बोल दो जो आप मुझे बोलती है। बोल दो बेटा जी, बेटा जी बताओ तुझे थप्पड़ मारो। अरे वो कैमरे के सामने निकल रहा है, इतनी 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 प्यार, इतने प्यार से तो नहीं बोल देगा। सुन रहा है या नहीं? हां आ रहा है नीचे कुत्ते। हां आ गया वो वीडियो पे, अब वीडियो पे आके देख लो, ये बोलती है मुझे कुत्ता बोलती है। और मम्मी मुझे बोलती आशु आ रही है, इतना भेदभाव है देख लो, इतना भेदभाव है बहू और बेटे में, इतना इतना भेदभाव है। वैसे तेरी आवाज निकलती नहीं है, तो मांगना भूल नेहा ने पकड़ रखा है ना, नेहा पे गुस्सा कर रहा है। देखो मैं चाय लवर तो नहीं हूँ, लेकिन नेचर में चाय बहुत बढ़िया लगती है, अलग ही मजे है। हाँ दही के ऊपर चाय, ये कौन सा नियम है? मुझे तो नहीं देती दी तू। दही मूली और खीरा बाहर सब चलता है। मैं तो चाय पीने से पहले ये खा रही हूँ चिक्की। मम्मी चाय के साथ चिक्की मारेंगे। चलो जब तक ये नेहा को मम्मी डांट रही है क्योंकि उसने अभी तक अपना खाना कंप्लीट नहीं किया है, मेरा तो हो चुका है, आशु का हो चुका है, मम्मी का हो चुका है, तब तक थोड़ा आजू बाजू की चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं ना। इस जगह है क्या? हाँ देखो, बगल में एक पानी का स्वम सा बना हुआ है, आई थिंक वाटर स्टोर करने के लिए करते होंगे। एंड वहाँ दूर पे मुझे एक हट सी दिख रही है, जिसमें आई थिंक यहाँ के जो फार्मर है, मतलब जो भी इस जगह की देखभाल करते हैं ना, वो रहते होंगे। और अगर थोड़ा आगे की तरफ आप नज़र डालेंगे ना, तो वहाँ एक बहुत प्यारी सी लेक है। क्या जगह पर बैठ के खा रहे हैं कि नहीं ये लोग? लग गए मेरे को ऐसा लगा ना, जैसे दूर से वो नहीं होता वुड कटर मशीन होती है, उसकी आवाज आई। वहां पे नेहा दही सुड़प रही थी। सही। और तुम क्या हंस रही हो? देखो खाना कंप्लीट हुआ नहीं कि इनको चाय की पड़ गई, चाय बनाने में लगी हुई मोटी। ये देख रहे हो बेचारी, ये प्यारी सी बच्ची हमारे पास आई, ठीक है। आई थिंक इसने जस्ट अभी बर्थ दी है पिल्लों को, बहुत भूखी थी बेचारी, पतली सी ना। देखो ये कीटो का खाना खा रही है, और ये माशे देखो इतने नखरे दिखाते हैं। इधर देखो कीटो, ये सब इसी में डाल रही है। इधर देखो, ठीक है। जब पहले तो बिल्कुल भाव नहीं दे रहा था, अब जैसे ही उसने बेचारी ने इसका खाना खाना चालू किया, जैसे मैंने उसको डाला, तब से इसको घूर जा। नहीं ये खाना सूंघा भी नहीं है। नहीं सूंघा ना? अगर कोई डॉग आके आपके पास इतने शांति से सो जाए ना, मतलब वो आपसे सेफ फील करता है, रिलैक्स है। एंड इसका रीजन क्या है कि हमारी फैमिली देखो, ये एक मोटू बैठा हुआ है, इसको इतना प्यार देते हैं हम। उसको जस्ट अभी हमने थोड़ा सा खाने के लिए दिया था, दही भी खीर दिया है हमने। भाई बहुत हो गया मस्ती मजाक, अब यहाँ से निकलने की बारी आ गई, चाय पियेंगे और निकलेंगे। उससे पहले जितना भी कचरा यहाँ फैला है ना, ये सबका सब इकट्ठा करके डस्टबिन रैप में डाल के इसको घर पे डंप करेंगे, क्योंकि नेचर में आए हो, नेचर को एंजॉय कर रहे हो, तो नेचर को मेंटेन भी करना है, गंदा नहीं करना है, कि नहीं मम्मी? है ना? बस इतनी थी आज की वीडियो, ठीक है। चुपचाप से इस वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अपना भाई चुपचाप से मत देखना, ढेर सारा प्यार डालना है इस पर, ठीक है। बिकॉज बेचारी मेरी मम्मी इतनी प्यार से देखो क्या कर रही थी, हंस रही थी, चिक्की खा रही, कचरा भी सारा इकट्ठा करके सब साफ किया। देखो मेरी बीवी है, चाय बना रही है। कीटो गाय को देखते हुए जैसे कीटू ने एलियन देख लिया। मैं दोनों का कंपैरिजन डालूंगा कि कैमरा ना दिखने से पहले और कैमरा दिखने के बाद कैसा बिहेव करती है हेमा। और क्या, कुत्ते वाली सच्चाई भी आ गई, ये भी आ गई है, अभी तो एक और बच्ची है, वो भी आने वाली है। रुको, ये मां ना लाइफ में कभी एक्सेप्ट कर जाए कि इन्होंने बच्चों को कूटा है या कुछ किया है? नहीं, वो तो कहां मम्मी ने, तो आरती तो आएंगी तुम्हारी, ठीक है, आरती तो आ रहे तुम्हारे, एक दीपक तैयार कर ले। सच्चाई, ये चेहरा देखो जरा, घी दीपक बाती बाती सब है, चेहरा देखो, चेहरा इनकी आरती कितनी गंदी। हमने पूरा पैक कर दिया और ये देखो अपना सामान लिया।
भाई इनकी कैंपिंग है, खत्म होने का नाम ही ये थी। आ रहे हो कि नहीं तुम लोग या छोड़ के जाऊं मैं? बाय बाय बाय। क्या बैठे हुए क्या, मजा आ गया आज का वीकेंड तो, मजा आ गया। अनएक्सपेक्टेड जर्नी थी। अब सबसे बड़ा चैलेंज है ना कि इस रूट से हम लोग आ तो गए थे, लेकिन अब इस रूट से हमें ऊपर चढ़ना भी है वापस, और बीच में थोड़ा सा बल्ज है, उस बल्ज के ऊपर से होता हुआ हमको जाना है। जो लोग गांव से ना वो समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मुड़ेर बोलते हैं उसको, ठीक है? तो उसमें से होके हमें अपनी गाड़ी निकालनी है। अब देखते हैं हमारी गाड़ी यहाँ से निकल पाएगी।